हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चुनकर आए प्रहलाद सिंह साहनी ने कहा कि बीजेपी के पास केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार ही नहीं था और इसीलिए आम आदमी पार्टी का जीतना तय था। आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक से विधायक प्रहलाद साहनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विधायक, जो एक विधायक की बैठक होनी थी वो खत्म हो गई है, क्या डिस्कस हुआ है? लीडर ऑफ द हाउस चुनने के लिए केजरीवाल साहब का नाम चुन रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ इस बार आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आ गई है एक बार फिर से दिल्ली में, तो ऐसे क्या काम है? पहले तो क्या कहना चाहेंगे प्रचंड बहुमत पे और दूसरा क्या काम ऐसे बाकी रह गए हैं करने? देखो, सबसे बड़ी बात है केजरीवाल साहब मुफ्त बिजली पानी बिजली वगैरह देते रहे और ये विकास के कामों को उनको झड़ी लगाई, विकास के आगे भी विकास के कामों को झड़ी लगाएंगे। मेरे को उम्मीद है कि इसी तरह विकास चलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। सर, भाजपा ने जो है सारे पैंतरे अपना लिए थे, हनुमान जी की भी बात कर ली थी, तो क्या हुआ भाजपा जो है दिल्ली में सत्ता क्यों नहीं बना पाई? भाजपा के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई चीज नहीं है। केजरीवाल साहब के सामने कैंडिडेट का नाम तो आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन कैंडिडेट होगा। केजरीवाल साहब के सामने कौन मुख्यमंत्री का इलेक्शन लड़ने वाला था उसका भी नाम नहीं डिक्लेयर पर, चुनाव सारा बीत गया, उनको कैंडिडेट भी नहीं मिला। तो दिल्ली में चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन बजरंग बली पर महाभारत अभी भी जारी है। कैलाश विजयवर्गीय ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली के स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ाने की सलाह दी तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कैलाश विजयवर्गीय को जवाब दिया। सुनिए क्या कहा सौरभ भारद्वाज ने। हनुमान जी ने अपनी, केजरीवाल जी ने अपनी जीत का श्रेय हनुमान जी को दिया तो मैंने कहा हनुमान जी का आशीर्वाद फिर स्कूल के बच्चों को भी मिलना चाहिए। मद्रासा में भी आपने कहा तो क्या हो गया, बच्चे तो वहाँ पर भी पढ़ते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति करने की कोशिश है, इसी को जो है जनता ने रिजेक्ट किया है और ये बहुत ही मतलब कि लोगों को इरिटेट करता है। ठीक है, ये बात साबित हो गई कि अगर भगवान राम को अपने भक्त के बीच में चुनना हो तो उनका सबसे बड़ा भक्त जो है वो भाजपा ही नहीं है, उनका सबसे बड़ा भक्त जो है बजरंगबली हनुमान है। ठीक है, तो राम ने हनुमान जी को चुन लिया, ठीक है, और हनुमान जी ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया, तो अब इनको जो है कम से कम हनुमान जी के बारे में जो है मजाक, और हनुमान का ही मजाक क्यों उड़ता रहा है? आज से नहीं, रावण ने भी हनुमान का मजाक उड़ाया था क्योंकि ये बंदर है, चलो इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो, बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है, और उसके बाद हनुमान ने लंका में ही आग लगा दी। तो कैलाश विजयवर्गीय और इनकी पार्टी ने एक बार आग लगा के अपनी लंका जलवा ली है। ठीक है, क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।